पर ब्रह्म परमात्मा के कृपा स्वरूप को राम कहा जाता है तो उन्हीं के प्रेम स्वरूप को कृष्ण कहा जाता है। दोनों एक ही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, नाम हैं। आज के दिन जिस किसी व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा हो जाया करती है, उसके कृपा स्वरूप की कृपा हो जाती है, उसे के अंतःकरण में, उसी के घर में प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण प्रकट हुआ करते हैं। अर्थात उसी के हृदय में भगवत प्रेम, जिसे डिवाइन लव कहा जाता है, उसी के हृदय में अवतरित होती है। दिव्य प्रेम का अपने हृदय में उतर जाना, अवतरित होना, प्रकट होना, इसी को एक साधक एवं भक्त को भगवान श्री कृष्ण का अवतार एवं प्रकटन समझना चाहिए। देवकी के घर हुए, यशोधा के घर हुए, कौशल्या के घर हुए, परमेश्वर करे कभी ऐसा अवसर आए किसी जन्म में कि वह हमारे अंतःकरण में भी प्रकट हो। ऐसी कृपा करें परमात्मा देव। आज उसी प्रेम स्वरूप परमात्मा एवं प्रेम की थोड़ी सी चर्चा बड़े संक्षिप्त रूप से करते हैं। ये प्रेम तो बड़ा आगाध है, असीम है, इसे समझना अति व्यापक है, इसे समझना दुष्कर। कुछ एक लघु कथाओं से, दृष्टांतों से शायद कुछ थोड़ी बहुत इस प्रेम के बारे में समझ आ जाए। इस दिव्य प्रेम को दो शरीरों का प्रेम नहीं कहा जाता, दो शरीरों का प्रेम इस दिव्य परिभाषा, इस दिव्य प्रेम की परिभाषा के अंदर नहीं उतरता। ये तो दिव्य प्रेम है, दिव्यता माध्यम है, जिस प्रेम की उसे ही दिव्य प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम वह है जो दो को मिला के एक कर दे, प्रियतम प्रेमिका को एक कर दे, उसे प्रेम कहा जाता है। दो शरीर तो एक हो नहीं सकते, इसलिए वह प्रेम नहीं है, वह तो काम है, स्वार्थ है। दिव्य प्रेम तो उसी प्रेम का नाम है जहां एकत्व आ जाता है, जहां अभिन्नता आ जाती है, जहां अद्वैत आ जाता है। इस प्रेम में विस्मरण नहीं है। आप कहें हम प्रेम भी करते हैं परमात्मा से और हमें संसार याद आता है, तो इसका अर्थ है अभी प्रेम पूर्ण प्रेम नहीं है। दिव्य प्रेम में परमेश्वर का विस्मरण नहीं है, हर वक्त उसका स्मरण बना रहता है। मातेश्वरी राधा रानी की याद आती है, आज सारे दृष्टांत राधा रानी के ऊपर। राधा रानी के पास श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी कुछ अपने हाथ को छुपा रही है। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ को पकड़ के पूछते हैं, क्या बात है राधे, क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, कुछ तो है। हाथ पकड़ के देखा तो राधा रानी की एक अंगुल पर थोड़ी सी चोट लगी है। काना पूछते हैं, पुरानी है? हां पुरानी है, पर लग तो बिल्कुल नहीं रही है। राधा रानी कहती है, काना जैसे ये ठीक होने लगती है तो मैं इसे पुनः छील देती हूं। है तो पुरानी, लेकिन मुझे ये नित्य नवीन दिखाई दे, इसलिए मैं इसे छीलती रहती हूं। क्यों? ये आपके नाखून से लगी हुई है।
प्रेम में विस्मरण नहीं है। एक प्रेमिका अपने हृदय से नित्य चाहती है स्वप्न में भी मेरा प्रियतम बिस्सेना। वह साधन ढूंढती है किस प्रकार से परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ये स्मरण, ये प्रेम एक गोपी की बात से प्रकाष्ठा की अनुभूति होती है। देवऋषि नारद, मेरे जैसा बदकिस्मत व्यक्ति देखिएगा उसे याद नहीं आती, और आज एक गोपी का दृष्टांत जो भगवान श्री कृष्ण को भुलाना चाहती है याद ना आए। सोचो कितनी की याद होगी उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण को भुलाना चाहती है। देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चलते हुए मन में आया आज ब्रज की यात्रा की जाए। बहुत दिनों से गोपियों की चरण धूली माथे पर नहीं लगाई, आज उनकी चरण धूली माथे पर लगाते। नीचे उतरते हैं, क्या देखते हैं, यमुना जी के किनारे एक गोपी, एक सखी बैठी है, ध्यानस्थ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करी हुई है, आंखें बंद है, भ्रीकुटी स्थान पर ध्यान लगाया हुआ है, पासी पानी का खाली बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है। बड़े आश्चर्य में देवऋषि नारद पूछते हैं, पूछने से पहले अपनी वीणा की झंकार करते हैं, आंख खुली, प्रणाम हुआ, क्या कर रही है तू। ब्रिज में यमुना जी के किनारे कोई गोपी ध्यानस्थ, ये कोई योगिनी कहां से आ गई, ये तो प्रेम भूमि है, भक्ति भूमि है, यहां ध्यान लगाने वाली कहां से ये योगिनी आ गई। गोपी कहती है, देवऋषि कहां ध्यान लगा रही हूं, ध्यान थोड़ी लगा रही हूं, ध्यान लगा भी रही हूं तो उसे याद करने के लिए नहीं, उसे भुलाने के लिए ध्यान लगा रही हूं। क्यों, ऐसी बात तो मैं पहली बार ही सुन रहा, क्या बात है। सुनो देवऋषि, मेरी ये हालत है, घर में अपना पोचा इत्यादि लगाती हूं, लीपन करती हूं, मुझे वह मयूर मुक्ति आता हुआ दिखाई देता है, मेरा सारा लीपन खराब कर देता है। अच्छा, दूध दुहने के लिए बैठती हूं तो आके पीछे से मेरी चोटी पकड़ लेता है, ये दूध की धार मेरे मुंह में मार, मैं दूध की धार इस तरफ करके उसके मुंह में मारती हूं, थोड़ी देर के बाद देखती हूं तो सारे का सारा दूध भूमि पर गिरा हुआ होता है। धान कूटने के लिए बैठती हूं तो मूसल पकड़ लेता है, धान कूटने नहीं देता। आज जल भरने के लिए आ रही थी तो रास्ते में मटक मटक पे चल रहा था, मेरा रास्ता रोक रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं यमुना किनारे जल भरने के लिए आई हूं। देखो ना देवऋषि, मेरे मन का भ्रम, वह आया थोड़ी है, वह कुछ ऐसा करता थोड़ी है, वह मूसल पकड़ता थोड़ी है, वह दूध मांगता थोड़ी है, ये तो मेरे मन का भ्रम है, जिस मन में वह इतना गहन, इतना गंभीरता से बसा हुआ है, उसी मन से मैं उसे निकालने का प्रयत्न कर रही हूं। देवऋषि नारद की आंखों में आंसू, यति सती महात्मा ऋषि मुनि यम नियम का पालन करके, प्रत्याहार का पालन करके, प्राणायाम का पालन करके, धारणा ध्यान का पालन करके अनेक जन्मों तक जो इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, उस मयूर मुक्ति की एक क्षण के लिए छवि हमारे सामने आ जाए, उसी छवि को ये गोपी अपने मन से निकालना चाहेगी। और उस मयूर मुक्ति का काम देखो, उसका प्रेम देखो, वह इस हृदय से फैसला कर चुका है, तू जितना मर्जी मुझे निकाल, मैं निकलने वाला नहीं।
प्रेम उसी को कहते हैं जो प्रेमिका एवं प्रेमी को मिला के, प्रियतम को मिला के एक कर दे। ललिता ने एक दिन राधा रानी से पूछा, राधे कृष्ण से तेरा क्या संबंध है? बड़ी प्राइवेट बात, बड़ी गोपनीय बात, कोई अच्छी सखी, सच्ची सखी ही ये बात पूछ सकती है। ललिता तो आप जानते ही हैं, बड़ी प्रिय सखी, अतिशय प्रिय सखी, जन्मों जन्मों का साथ ललिता एवं राधा का। हिम्मत करके पूछा, राधे बताना। राधा कहती हैं, ललिता संबंध कोई लक्ष्य थोड़ी है, ये तो प्रेम का एक साधन है। साधन ही है ये, साधन तो प्रेम ही है। संबंध जो भी कुछ बनता है ये तो एक साधन है उस प्रेम का, संबंध साध्य ही है। तू बता क्या संबंध है मेरा और कृष्ण का? मुझे तो यही लगता है राधे, तू उसकी प्रियतमा है और वो तेरा प्रियतम है। राधा कहती है, तू तो ऊपरी ऊपरी बात ही देख सकती है। प्रियतमा, प्रियतम, राधा रानी कह रही है, अरे ललिता तू तो ऊपरी ऊपरी बात ही देख सकती है, तुझे वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही। ललिता कहती है, तो राधे तू बता। कहती है, ना मैं प्रियतमा ना वह मेरा प्रियतम, दोनों के मन में एक तीव्र आकांक्षा जागी एक दूसरे को मिलने की। इस तीव्र आकांक्षा ने दोनों को मसल के एक कर दिया, ना वह प्रियतम ना मैं प्रियतमा, मन ही नहीं रहा तो पृथकत्व कैसे रहेगा, अब भिन्नता कैसे रहेगी, अलगत्व कैसे रहेगा, मन ही एक हो गया है। ना वह कृष्ण है ना मैं राधा हूं, ना वह प्रियतम है ना मैं प्रियतमा। दिव्य प्रेम उसी को कहा जाता है जो दोनों को मिला के एक कर दे। भक्तजनों, एक बड़ा भेद यहां खुलता है। शिष्य एवं गुरु का मन जब एक हो जाता है तो वह सर्वसमर्थ सर्वशक्तिशाली परमेश्वर को अपनी ओर खींच लेता है। जब दो मन, गुरु एवं शिष्य का मन एक हो जाता है तो इतना बलवान हो जाता है कि वह उस सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमय परमात्मा को अपनी ओर, अपने भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है। अंत में भक्तजनों, समय तो हो गया है, अधिक ही हो गया होगा। आज एक सखी राधा रानी से एक और गंभीर प्रश्न पूछ रही है, राधे एक बात बता, तू श्याम सुंदर से अधिक प्रेम करती है या श्याम सुंदर तेरे से अधिक प्रेम करता है? राधा रानी कहती है, सखी एक पद से इसका उत्तर देती हूं। राधा रानी अपने श्रीमुख से एक पद बोल रही हैं, कहती हैं, सखी जोई जोई प्रियतम करे, सोई सोई मुहे भावे। सखी कहती है, ठीक है, यही तो मैं कह रही, तेरा प्रेम श्याम सुंदर पर बहुत है, क्यों? इसलिए प्रियतमा को प्रियतम की हर बात, हर करनी बहुत अच्छी लगती है, और यही तो कह रही। राधा कहती है, अरे नहीं सखी, तू सुन तो, आगे तो मेरी बात सुन। जोई जोई करे प्यारो, जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे, और जोई जोई भावे सोही सोही करे प्यारो। फिर सुनिएगा,
जोई जोई करे प्यारो सोई सोई मोहे भावे, और जोई जोई मोहे भावे सोही सोही करे प्यारो। प्रभु के स्वभाव की चर्चा चल रही है पिछले दो एक रविवार से। श्रुतियां कहती हैं, शास्त्र कहता है, संत महात्मा ये बात ललकारते हुए अघाते नहीं, परमेश्वर सर्वविद्यमान है, परम दयालु है, परम कृपालु है, करुणा का सागर है, कृपा का असीम अगाध समुद्र है परमात्मा, यह हर कोई जानता है। और वही परमात्मा हर एक के घट में विराजमान है, इस सत्य को भी आप सब जानते हो, ये सत्य भी जानते हैं, और दूसरा सत्य ये भी जानते हैं, उसके होते हुए भी संसार में दुख भरा हुआ है, इस सत्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो सत्य क्या है? उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता, उसकी करुणा किस काम की? यदि हर व्यक्ति, हर जीव जो है वह दुखी दिखाई दे रहा है, तो उसकी कृपालुता पर, उसकी करुणा पर, उसकी क्षमा पर, उसके प्रेम स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह आते हैं। इतना दुख है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को निरोग कह सके। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक देख लीजिएगा, यहां देखिएगा, वह देखिएगा, विदेश देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति अपने आप को रोग मुक्त नहीं कह सकता। ऐसा भी कोई नहीं है जो अपने आप को दुख मुक्त कह सके कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, दुख भी बना हुआ है। असहाय अबलाओं पर नित अत्याचार हो रहे हैं, क्या वह सर्वज्ञ सर्वत्यमान परमात्मा, अति करुणावान, अति संवेदनाशील परमात्मा इस सब चीज को देख नहीं रहा? यदि देख रहा है और वह कुछ करता नहीं है, तो हमारे किस काम का ये प्रश्न चिन्ह? उसकी सर्वज्ञता के प्रति, उसकी करुणा के प्रति, उसकी कारुण्य के प्रति, उसकी क्षमा, उसकी दयालुता के प्रति, ये कहें उसका विधान बड़ा मंगलमय है, संदेह किसी बात में नहीं है। भक्तजनों, ये सब बातें शास्त्र सम्मत हैं, ऋषि महात्माओं द्वारा अनुभूत चीजें हैं, ये अनुभूतियां उन्हें हुई हुई हैं, उन्होंने देखा है, परखा है, अनुभव किया है, तभी जाके इन बातों को वर्णन किया है। उसका विधान मंगलमय है। कैसा मंगल विधान है उसका? एक बम पड़ता है, काफी सारे संसार का हिस्सा भस्मीभूत करके रख देता है। क्या मंगल दिखाई देता है उसके विधान में? यदि ये कहें ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, हर बात भक्तजनों सत्य कही जा रही है, अभी तक जो कुछ कहा गया है वह भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये कहा जाए सब कोई अपने कर्मों का फल भुगतता है, तो यही सोचना होगा ना, वह परब्रह्म परमात्मा केवल हमें हमारे कर्मों के अनुसार संचालन ही करने योग्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी क्षमा किस काम की? मात्र उसे अनुशासन ही हमारे ऊपर, इसी प्रकार का हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें चलाना है, संचालन करना है, तो उसकी दया किस काम की, उसकी करुणा किस काम की? आइए देखें भक्तजनों परमेश्वर के स्वभाव के विषय में क्या स्पष्टीकरण करते हैं संत महात्मा। जो कुछ अभी तक कहा गया है वह बिल्कुल सत्य। सृष्टि का होना, प्रलय का होना,
ये दोनों बातें उसकी प्रेरणा से। मानो हम जन्मते हैं तो भी उसकी प्रेरणा से, हम मरते हैं तो भी उसकी प्रेरणा से, सृष्टि प्रलय उसकी प्रेरणा से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वह दृष्टा बन के एक स्थान पर बैठा हुआ या सर्व विद्यमान सब कुछ देख रहा है, लेकिन दृष्टा बन के कुछ नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए आप उसे कुछ करने के लिए पुकार ही नहीं रहे। स्वभाव परमात्मा का ध्यान दीजिएगा, हर चीज वह जानता है, हर चीज वह कर सकता है, सर्व समर्थ है, आप उसे कुछ करने के लिए पुकार ही नहीं रहे हैं। तो वह दृष्टा बन के दिखता रहता है, साक्षी बन के सब कुछ दिखता रहता है, कुछ नहीं करता। गज ने पुकारा, आया। गरुड़ के ऊपर सवारी करके आया परमेश्वर। लगा ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है, स्वयं कूद के सरोवर में चले गए। गज ने पुकारा, पुकार सुन के आ गए प्रभु। भक्तजनों, पुकार के लिए एक बात बहुत जरूरी ध्यान में रखने वाली, अभी आपने भजन सुना, परमेश्वर हमारे दुख हरण करता है, सर्व सुखदाता है परमात्मा, उसे अपने दुखों का निवारण करवाना चाहते हो तो इस गुण से संबोधित करो, सुख पाना चाहते हो तो इस गुण से संबोधित करो। यदि कहते रहोगे आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मरते हो तो मर जाओगे, वह आपके दुखों का हरण नहीं करेगा। स्वभाव है, ये बड़ी बारीक बड़ी सूक्ष्म बात है भक्तजनों, ध्यान देके सुनिएगा। बाली से यही भूल हो गई, बाली तीर खा के भगवान द्वारा घायल पड़ा हुआ है, मरने को तैयार है। प्रभु राम उसके पास जाते हैं, प्रश्न होता है, आपस में बातचीत होती है, बाली से पूछते हैं तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तो यही समझता था कि आप मर्यादा का पालन करने वाले हो। भगवान कहते हैं ठीक है, फिर वही तो मैंने कर दिया, यदि तुम मुझे इतना ही मानते हो कि मैं मर्यादा का पालन करने वाला हूं तो भाई जो अपराधी है उसे दंडित करना मेरा कर्तव्य है, मैंने कर दिया। यदि उसी वक्त बाली की मति ठीक हुई होती, बाली ने कुछ और कहा हुआ होता, जैसे ही बातचीत आगे बढ़ती है, भगवान सब कुछ सुनने के बाद अब उनका हृदय और द्रवित हो गया है, मानो ऐसा लगता है भगवान औरों के लिए सब कुछ जानता हुआ अपने लिए सब कुछ भूला हुआ है। जब तक आप उसे याद नहीं करवाते परमात्मा आप यह करने योग्य हो, मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, मेरी मुसीबत का हरण कर लीजिएगा, तब तक वो बैठा दृष्टा बरा देखता रहता है। आप मुझे मर्यादा पुरुष मानते हो तो मैं आपके अपराध को दंडित, अपराधी हो तो दंडित करूंगा, आपके अपराध को देख के मैं अब अनसुनी नहीं कर सकता। आप दुखी हो, आपके प्राणों की रक्षा करनी है, आप मुझे प्राण रक्षक कह के पुकारते हो, आपने अमुक का प्राण बचाया, अमुक के लिए आपने ये किया, मेरे भी तो बचाओ। तो भक्तजनों, वह आपकी पुकार सुन के रह नहीं सकेगा, एक ही भाषा जानता है परमात्मा, एक ही पुकार जानता है परमात्मा, वह जो हृदय से निकलती है सच्ची होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। दो बातें पुकार के लिए याद रखिएगा, सच्ची पुकार होनी चाहिए, अधूरी नहीं, झूठी नहीं, कपटी नहीं, और सही पुकार होनी चाहिए, जो काम उससे चाहते हो तद अनुसार परमात्मा को संबोधित करिएगा। ये तो पुकार की बात है, पुकार के तो दृष्टांत आप सुन चुके हुए हैं, पुकारने पर आता है। अब बिन पुकारे, जब पुकार ना हो तो कैसे आता है,
आप देखिए अघासुर आ गया है, गोपालक देखते हैं ये बड़ी गुफा बनी हुई है, बड़ी रमणीक अच्छी लगी उनको, सारे के सारे उस गुफा में घुसना आरंभ करते हैं। अघासुर अजगर का रूप धारण किए हुए है, बड़ा मुख खोला हुआ है, ऐसे लगे जैसे बड़ी सुंदर गुफा है। गोपाल गोप कुमार एक एक करके उसमें घुसने लगे। किसी ने कहा अरे मत घुसो इसमें, ये कहीं अजगर हुआ तो उन्होंने कहा हमारा कनुआ किस चीज के लिए है, कनुआ भगवान श्री कृष्ण को कनुआ कह रहे हैं, वह किस लिए है, अरे वह हमें बचाएगा नहीं, यदि अजगर है तो चलो घूम के आते हैं, देख सुन के आते हैं। जैसे जैसे मुख में प्रवेश करते जाते हैं तैसे तैसे सबके सब मूर्छित होते जाते हैं, क्या कन्हैया उन्हें बचाता नहीं, मूर्छित हो गया तो कोई पुकारे कैसे, पर कोई मरने दिया गोपालक, कोई गोप कुमार मरा, कोई नहीं मरा, किसी को मरने नहीं दिया, सबकी मूर्छा सही हो गई, बिन पुकारे आए। कब जब लोग ये समझने लग जाते हैं हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। एक और स्वभाव है भक्तजनों, परमात्मा अधूरा स्वीकार नहीं करते, अपने आप को पूरा देते हैं तो आपसे भी पूरे की अपेक्षा रखते हैं, अधूरा नहीं। ऐसा नहीं मंदिर में बैठ के तो मैं तेरा राम, घर लौटते ही ये शब्द किसी और के लिए हो जाए तो ये धोखाधड़ी है भक्तजनों। परमात्मा इस चीज को अनसुनी कर देता है, सुनता नहीं है, पूर्ण कर भी क्या सकता है व्यक्ति भक्तजनों, बेहतर यही है अपने आप को पूर्णतया उसकी चरण शरण में समर्पित कर दो, बस आप पूरे के पूरे। देखो ना, एक व्यक्ति चाहे अपने हाथ में एक छोटी सी गड़वी ली है, घड़ा समझ लीजिएगा, अब सोचे इसमें समुद्र भर जाएगा तो यह संभव नहीं है। क्या करना चाहिए, स्वयं ही समुद्र में चले जाना चाहिए, समुद्र से अपने आप सब कुछ भर जाएगा। परमेश्वर अपने आप को पूर्ण देता है तो आपसे भी पूर्णता ही की अपेक्षा रखता है, आप भी मेरे पास पूर्ण ही आओ। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम
रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे रा, रोम रोम श्री राम पुकारे, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे रा, रोम रोम श्री, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारी, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री, ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो, 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 ऐसी कृपा करो मेरे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, 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 ऐसी कृपा करो मेरे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, 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 रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम